खबर बड़ी साथ ही विधानसभा क्षेत्र के संगेसरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संगेसरा के संस्थान और प्रधानाचार्य नागजी राम जाट को लेकर कल से बोर्ड के एग्जाम के लिए दिन पहले बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। संस्था प्रधान को हटा दिया गया, जहां पर दूसरे संस्था प्रधानाचार्य को ज्वाइन करने का आदेश दे दिया है, परंतु इस मामले की जानकारी संगेसरा गांव के ग्रामीणों को मिली। ग्रामीण सवेरे से ही विद्यालय के बाहर आकर ताला लगाकर वहां धरना लगाकर बैठ गए, परंतु गांव वालों का ये कहना था कि नगजीराम जाट संस्था प्रधानाचार्य डेढ़ साल अपनी सेवा दे रहे थे, विद्यालय के प्रति अच्छी सेवा दे रहे हैं, विद्यालय की कायाकल्प कर दी गई है और स्टाफ के सभी अध्यापक इनकी कार्यशैली से संतुष्ट है, परंतु विद्यालय के छात्र छात्रा भी संस्था और प्रधानाचार्य नगजीराम जाट के प्रति संतुष्ट थे और विद्यालय के प्रति अपनी ड्यूटी समय से पहले आना और समय के बाद जाना, विद्यालय के प्रति अपनी सेवा बखूबी से निभाई। साथ ही इस मामले में ग्रामीण भी संस्था प्रधानाचार्य नगजीराम से काफी खुश थे, साथ ही विद्यालय के छात्र छात्रों का भी विद्यालय के प्रति अच्छा व्यवहार एवं बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाना एवं गतिविधियों से उनकी अहम भूमिका रही। फिर भी शिक्षा अधिकारी ने बिना कारण बताए नोटिस जारी कर प्रधानाचार्य को बिना बताए लिखित में लेटर जारी कर संस्था प्राचार्य को इस संगेनरा विद्यालय से तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया, जिसे संगेनरा के आसपास ग्रामीणों को इस मामले की जानकारी मिलते ही विद्यालय के फाटक पर ताला लगा धरने पर बैठ गई और हटाने का विरोध किया गया। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ विगत 30 सितंबर 2022 से कार्यरत हूँ। मेरे सामने किसी भी अभिभावक ने कोई शिकायत नहीं की, न किसी बालिका ने मेरे संबंध में किसी अभिभावक से इस बार कार की बात की कि सर का बिहेव कैसा है। मैंने हमेशा विद्यालय विकास और छात्र हित का कार्य किया है। किसी ने द्वेषतावश और किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने के लिए और कोई थोड़ा बहुत अच्छा कर लिया होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि इतना अच्छा कैसे कर लिया जाए, तो किसी ने साजिशवश मेरे सामने ऐसा प्रकरण बना करके झूठी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके न हाथ है न पैर है। समस्त गांव वालों का यह कहना है कि सर आप निर्दोष हैं, तो मैं निर्दोष साबित होऊंगा ये मैं जानता हूं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मेरे अपने बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को अपनी पूंजी समझता हूं। मैंने अपने इस विद्यालय के लिए रात दिन एक करने का प्रयास किया है। समस्त अभिभावकों से, समस्त भामाशाहों से मैंने सहयोग लेने का प्रयास किया है। कोई भी बच्चा मेरे पर अगर आरोप लगा देता है, मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नगजीराम जाट है सर, और मैं प्रधानाचार्य पूर्व प्रधानाचार्य संगेसरा। प्रॉपर कहाँ के रहने? प्रॉपर कपासन तहसील सर विरोली का रहने वाला हूँ। विगत 4 सालों से मैं बड़ी साल जी में पोस्टेड था और अभी 1.5 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ मैं, और सभी का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, परंतु किसी ने द्वेषतावश और साजिशवश व्यक्ति की छवि को खराब करने के लिए, क्रेडिट खत्म करने के लिए इस प्रकार की कार्यना हरकत की है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं और सच सामने आना चाहिए। विभाग को मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आग्रह करूंगा कि इसकी जांच स्पष्ट रूप से जल्दी करवाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सच्चाई सबके सामने आना चाहिए। अगर मैं दोषी सिद्ध होता हूँ तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ, और अगर मैं दोषी सिद्ध नहीं होता हूँ तो मेरी जो क्रेडिट खराब हुआ है उसको, उसकी भरपाई करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो जो भी शिकायत की है उसका नाम उजागर किया जाए, गांव वाले भी सब जानना चाहते हैं, और मेरे को शिकायत की कॉपी मिलनी चाहिए, मैं ये आपसे आग्रह करता हूँ। क्या आपके ऊपर दोष सिद्ध साबित हो जाता है तो क्या इस मामले को लेकर क्या कहना? मेरे पर अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो मैं, जो भी विभाग सजा देगा, जो भी गाँव वाले सजा देंगे, मैं तैयार हूँ, कानूनी कार्रवाई के लिए मैं तैयार हूँ। प्रिंसिपल साहब को सस्पेंड किया गया है बिना कारण बताए, तो हम सब ग्रामवासियों की यही है कि जो इनके खिलाफ शिकायत हुई है उसकी सही जांच हो, और इनको वापस अगर गलत है ये तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हो कार्रवाई करे, और अगर ये गलत नहीं है तो इनको वापस यही लगाना बहाल करें। हम सब यही, सभी जनों की यही है, और जब तक कमेटी नहीं बनेगी तब तक स्कूल के ऊपर ताला ही रहेगा। कितने ग्रामीण आज इस विद्यालय के बाहर इकट्ठे हुए हैं? सारे ग्रामीण हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं, और आप देख ही रहे हो आसपास, और भी आएंगे अभी। आज यही मंगलवार था, ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि यार इस तरह से सर का ट्रांसफर हो गया, सस्पेंड किया गया नगदीराम जी जाट को, प्रिंसिपल साहब को। तो उनका नेचर वगैरह अच्छा था, लोगों में अच्छी पेट थी, तो इस वजह से लोग ये चाह रहे थे कि यार गलत हुआ है उनके साथ। तो हम ये ताला लगा दिया गाँव को, यही समझा बुझा के हम गाँववासियों को कह रहे भी ताला खोले, इनका किसी का नुकसान नहीं हो जाए, और कल बोर्ड की परीक्षा भी है, तो हमारी सब गाँववासियों की यही भावना रहेगी, इसका असर डरा। हम ये चाहते हैं कि वास्तव में सर अगर दोषी है तो उनको सजा मिले, और जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में इसकी जांच हो जाए। कोई आदमी इस तरह से जाएगा सस्पेंड होकर तो हमारी गांव की भी बदनामी होगी,
वास्तविकता में इन्होंने गुनाह किया तो उनको सजा मिलनी चाहिए और बाकी इनको क्लियरेंस मिलनी चाहिए, ताकि लोगों को ये तो पता चले कि भाई गाँव वासियों ने किसी ने की शिकायत या कोई और मामला है, ये क्लियर होना चाहिए। बस सबकी यही मांग है कि सर को वास्तव में गिलती की तो सजा मिलनी चाहिए, नहीं की है तो इनको वापस रिजल्ट मिलना चाहिए और गांव को भी पता चलना चाहिए कि वास्तविकता में ये बात है। ये सबकी ये मांग है, हम कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं सरकार के, नहीं साहब इनको ये रखना जरूरी है, ये 60 साल की नौकरी है तो प्रोसेस है, चलता रहेगा ट्रांसफर, ट्रांसफर कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये जो सस्पेंड होके ऐसे जा रहे तो कल कोई भी टीचर आएगा संगेसा का नाम से डरेगा कि यार साला वहाँ तो ऐसा होता है ऐसा होता है, तो वास्तविकता क्या है ये क्लियर पब्लिक को भी पता चलना चाहिए और सर को भले हमारे को नहीं बतावे, प्रिंसिपल साहब को और डिपार्टमेंट अंदर बैठ के इनके आपस में क्लियर कर ले भाई ये वास्तविकता क्या है, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है और इसका निस्तारण हो जाए ये चाहते हैं। अगर सही है तो प्रिंसिपल साहब यहाँ बिराजे, सबकी भावना ये है सर। क्या आपको लगा है कि प्रिंसिपल की कुछ कार्यशैली में या कुछ उनके विचारों में कोई ऐसा मामला सामने देखने को मिला? सर ये साल डेढ़ साल से है, आज दिन पहले तो ऐसी कोई बात हमने देखी नहीं, और हम भी कभी कभी आते हैं जैसे राजनीति करने ना तो हम स्कूल में आते हैं, कभी झंडा झंडी में आते हैं या कोई फंक्शन होता है या कोई काम होता है सर का फोन करते तो हम भी जाते हैं आते हैं, और आम पब्लिक भी स्कूल ग्रामीणों के पास है तो ऐसा तो कोई मैटर है नहीं पता हमारे दिमाग में, और फिर भी कोई डिपार्टमेंट के पास ऐसी कोई सूचना है या ऐसी कोई बात है उसका क्लियरेंस होना चाहिए, सब ग्रामीणों की यही मांग है क्लियरेंस होनी चाहिए। आप आए जैसे मेरे पास कॉल आया था डीओ साहब से और सीपीओ साहब से और ऑर्डर भी उसने भेज दिया मेरे पास कि आपको वहाँ जाकर रिलीव करना है। जब मैं यहाँ आया स्कूल के पास तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठे थे और मुझे बैठा लिया गया, और इसलिए बैठा लिया गया क्योंकि जब तक पुलिस नहीं आएगी जाँच नहीं होगी तब तक कोई रिलीव नहीं होगा, और मैं ग्रामीणों ने ना तो मुझे काम करने दिया और ना ही स्कूल में घुसने दिया, तो मैं अपना काम अभी नहीं कर रहा हूँ। और मैंने वापस सीबीओ साहब को कॉल कर दिया, डीओ साहब को कॉल कर दिया, भाई आप वहीं से रिलीव करो, मुझे गांव ग्रामीण वाले नहीं काम करने दे रहे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज व्याख्या था, पॉलिटिकल साइंस। कहाँ से? सिक्कर से बिलोंग करता हूँ वैसे मैं, ड्यूटी वर्तमान में संगेसरा स्कूल में सेकेंड इंचार्ज। सेकेंड इंचार्ज